हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। टुडे इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा मैटर क्या होता है। मैटर इज दैट इज द मास ऑक्यूपाई इज समथिंग विच ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस। ठीक है, वो क्या होता है, मैटर होता है। कोई भी चीज़ जो कुछ ऑक्यूपाई करती है कुछ स्पेस और उसका कुछ वेट होना चाहिए, वही क्या होता है हमारा मैटर होता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि आपके पास जो क्लासिफिकेशन कैसे करते हो आप, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर से रिवाइज करते हैं। फिजिकल चीज़ वो होती है जो आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। मगर केमिकल, जो हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, जो एटम और मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है। फिजिकल में आपके हमने पढ़ा कि सॉलिड स्टेट होती है मैटर की, लिक्विड स्टेट होती है गैस। जैसे हमने बताया था आपके कि वाटर का कैसा स्टेट होती है ना, अलग अलग स्टेट में चेंज होता है। वाटर भी क्या है, एक मैटर है। ऐसे कहते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन हम आगे आगे पढ़ा कि जब हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स क्या होते हैं। अब प्योर सब्सटेंस में अगर फर्दर अगर स्टडी करी तो हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स, प्योर एलिमेंट्स क्या होते हैं। जब एक ही टाइप का एटम्स और पार्टिकल होगा तो वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स प्योर, वो एलिमेंट्स प्योर होंगे जिसमें क्या होता है, एक ही टाइप का एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा सोडियम, अगर सोडियम ही सोडियम है, उसके साथ कोई अदर एलिमेंट नहीं है जुड़ा हुआ, कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, तो वो सिर्फ क्या है, एक प्योर एलिमेंट कौन सा है, सोडियम का है। ठीक है, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड क्या होता है, प्योरेस्ट मेटल होता है। ठीक है, तो नेचर में आपको प्योर फॉर्म में ही मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहता। ठीक है, तो आगे पास क्या है, कंपाउंड आगे एलिमेंट के आगे तरफ जाएंगे तो हमने पढ़ा एलिमेंट को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स में। ठीक है, और मेटल्स नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आई थिंक आपने पढ़ी भी है। ठीक है, और सेमी मेटल्स मतलब जिनमें दोनों दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कौन कौन सी, मेटल्स की भी होती है और नॉन मेटल्स की होती है। कंपाउंड्स को अगर आप क्लासिफाई करें फर्दर तो हम पढ़ेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर टेकन फ्रॉम इन नॉन लिविंग थिंग। जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कहाँ से मिलते हैं, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, वो सारे के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मिक्सचर हमने पढ़ा, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज अ सिंपल जब व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, जब दो और दो से ज़्यादा कंपाउंड और सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाता है तो एक मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस जिसमें कम्प्लीटली क्या होता है, डिजोल्व हो जाते हैं दोनों सब्सटेंस आपस में, मगर आप उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा हेट्रोजीनियस, इसमें आप कम्प्लीटली एक डिजोल्व नहीं होते, एक बाउंड्री आपको देखने को मिलती है दोनों के बीच में, सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में। ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में वही होता है कि आप बोल सकते हो कि फिजिकल मेथड से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल लाइक फिल्ट्रेशन मेथड से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारा कौन सा, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। ठीक है, मैं जो मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके मेजरमेंट कैसे आप किसी मैटर को मेजर करते हो, उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे मेजर करते हो। जैसे आपको लाइक आपको उसका टेम्परेचर देखना है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब आपको मेजर करना पड़ेगा। आपको इसका मास देखना पड़ेगा, कितना इसका मास है, कितना इसका केजी में है, ग्राम में है। ठीक है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे वो रिएक्शन करता है, मतलब कितना वो एसिडिक है, कितना वो बेसिक है, ये सॉल्ट है कि एसिड है या बेस है, ये सब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मीजर और ऑब्जर्व। देखो, हमेशा बोल रहा हूँ मैं, फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको ऑब्जर्व कर सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो, नेक डाई से देख सकते हैं। ठीक है, और मीजर, और उसको आप मीजर भी कर सकते हो कि कितना, जैसे हमने कहा टेम्परेचर, टेम्परेचर को आपने मीजर किया कि 10 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, और आपने ऑब्जर्व भी किया है चीज़ों की, गर्म हो रहा है ना, फील हो रहा है आपको, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए बिना उसकी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करना, वही क्या होती है और मीजर करना, यही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ केम फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे हमने कहा कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हमारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये सब हमारी क्या है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, फिर एक बार फिर से पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हमारी कलर, कलर आपको दिखते हैं ना, पिंक, येलो, ये सारे, रेड, ऑर्डर, कैसी स्मेल आ रही है इससे, ठीक है, अच्छी आ रही है, गंदी आ रही है, ये सब। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या, कौन से पॉइंट पे वो मेल्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट कौन से पॉइंट पे वो बॉइल होगा। जैसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा
इसका जो हमारा 100 डिग्री जो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो वाटर का वाटर क्या होता है हमारा इसमें बॉइल हो जाता है, और जो आइस फ्रीज हो जाता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होने लग जाता है, और मेल्ट भी हो 0 डिग्री के बाद ही वो मेल्ट होने लग जाता है, ठीक है। 0 डिग्री अबव का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो कहता है कि जो चीज़ को जिस प्रॉपर्टी को मैटर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप मीजर कर सकते हो या फिर ऑब्जर्व कर सकते हो, वो सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं उसकी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं। जैसे आपने कहा आपने कहा NaCl, ठीक है, आपने NaCl की रिएक्शन करा दी प्लस किसके साथ, KOH के साथ, ये कंपाउंड है, ठीक है। आपने NaCl की रिएक्शन KOH के साथ करा दी तो आपको मिलेगा यहाँ पे ये कंपाउंड मिलने वाला है। आपने देखा कि इसने कैसे इसके साथ रिएक्ट किया, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रिएक्शन करी, कैसे इसके एटम्स मिले, मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करी, कितनी इनकी एनर्जी है, तो ये सब हम पढ़ते हैं कोई भी रिएक्शन के बारे में, कि रिएक्शन जब आ जाती है तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट करती है किसी भी मैटर की। अब NaCl एक मैटर है और KOH भी एक मैटर है, तो दोनों ने आपस में रिएक्ट करा और इन्होंने क्या कंपाउंड दिया, ये हम पढ़ने वाले हैं। जनरली आपको KCl देगा और प्लस आपको NaOH देगा, ठीक है ना। तो ये आपको NaOH देगा, तो ये आपके सिंपल से क्या है, एक कंपाउंड है, तो ये आपको KCl और NaOH देने वाला है, ठीक है। ये देखो Cl बना देता हूँ बढ़िया सा आप लोगों के लिए, ये KCl प्लस NaOH, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी। जब भी हम रिएक्शन की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी किसी भी कंपाउंड की, ठीक है। जिस कंपाउंड की हमको केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है तो उसकी रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ आपने रिएक्शन कराई, कैसे इसने रिएक्ट किया, ठीक है ना। तो अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग मैटर्स, अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में, ठीक है, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज अलग है और हर कोई अलग अलग एटम से बना हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने कहा कितना एसिडिक है, जैसे HCl, HCl कितना एसिडिक है भाई, आपने कहा HCl है, एसिड है कि बेस, आपको पता है एसिड है, अब कैसे पता चला, आपने इसकी केमिकल बिहेवियर देखा, ठीक है। दूसरा बेसिसिटी, कितना वो बेसिक है, जैसे हमने कहा NaOH क्या है, एक बेस है, ठीक है, तो कैसे बेस है, वो एसिडिक क्यों नहीं है, तो ये सारी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। कंबस्टिबिलिटी, कितना वो बर्न हो रहा है, मॉइस्चर, मतलब जैसे आप बोलते हो कि NaOH जो सोडियम मेटल होता है, ठीक है, सोडियम मेटल जो होता है उसको आप मॉइस्चर करोगे तो बर्न हो जाता है, ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। CO2, जैसे आप क्या बोलते हो कि कार्बन को या चारकोल को आप बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उससे कौन सी गैस निकल रही है भाई, तो ये क्या है, कंबस्टिबिलिटी, कितना वो क्या कर रहा है, हीट दे रहा है, कौन सा सब्सटेंस दे रहा है, तो ये सब आपके क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। अब इनके यूनिट्स क्या है, अब आपको मेजर करना पड़ेगा उन यूनिट्स को, तो इसके लिए भी यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी। तो फंडामेंटल यूनिट्स, जो मेन यूनिट्स होती हैं हमारे, जैसे फंडामेंटल राइट्स, आपके मेन राइट्स कौन से हैं, वैसे ही फंडामेंटल जो आपकी बेसिक यूनिट्स हैं आपके, जैसे आप पढ़ते हो ना, क्या बोलते हैं SST में पढ़ते हैं हम कि फंडामेंटल राइट्स, कि आपके बेसिक जो राइट है वो कौन से होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल आपकी बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी है जो जनरली यूज की जाती हैं ओवरऑल प्रॉपर्टीज को मीजर करने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सी है, आपको पता है सिंपल, मास, मास कितना है, क्वांटिटी, ठीक है, तो क्वांटिटी जो मास होती है किसी डिनोट करते हम kg, ग्राम, है ना, ये सब। तो अब इनकी SI यूनिट कौन सी है, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। अब स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है, इंटरनेशनली, इंटरनेशनल लेवल में जो यूज़ की जाती हैं वो कौन सी यूनिट है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, ठीक है, तो लेंथ कौन काई की यूनिट है, मीजर करने की, किसी की आपकी लंबाई देखनी है कि कितनी लंबा है ये, तो हम इस किससे मीजर करते हैं, लेंथ, लेंथ बताता है। टाइम, कितने टाइम में किस चीज़ में वो काम कर रहा है, कितना टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया, 2 घंटा लग गया, 1 आवर, 2 आवर, 1 मिनट, 3 मिनट, ये सब क्या है, या फिर सेकेंड्स, ये सब क्या है, टाइम की यूनिट है, कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो अब आगे ये सारी क्या है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड देयर यूनिट्स आर नोन एज फंडामेंटल, और जो मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स होंगी वही फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास जनरली बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो आप मेजर कर सकते हो, जैसे कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट है सब्सटेंस का, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आज हम यही मेन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इनकी यूनिट्स और इनकी डेफिनेशन, ये आई कहाँ से, ली कहाँ से। तो हम पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, SI सिस्टम।
ऐसा ही मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, कि मतलब एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब हर जगह इंटरनेशनल लेवल में कहीं भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तो, और जब इन यूनिट्स का नाम लिया जाएगा तो हमेशा उसकी यूनिट्स मीटर ही रहेगी, जैसे लेंथ की क्या रहेगी, मीटर ही रहेगी, और इसको डिनोट किया जाएगा एल से, ठीक है। सिंबल क्या है लेंथ का, एल, और मीटर का सिंबल क्या है, एम, ठीक है। तो आप बोलोगे इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। कहीं भी चले जाओ आप पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी जाओ तो हमेशा लेंथ को मीटर से ही ऐसा यूनिट इसको डिनोट किया जाएगा। जैसे मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, ठीक है। वैसे ही टाइम की क्या होगी, आपने कहा सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी, एम्पेयर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो होता है, केल्विन होती है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अगर आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने लिया, तो स्टैंडर्ड यूनिट में हम काउंट करेंगे मोल्स में, ठीक है। तो ये सब एक्सप्लेन किया जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, कैंडेला। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी 7 बेसिक यूनिट्स हैं ये सब, ये सारी आपकी क्या है, 7 बेसिक यूनिट्स, और इनकी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड SI यूनिट्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है डेफिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट। क्या डेफिनेशन है इन बेसिक यूनिट्स की, सबसे पहले पढ़ते हैं मीटर, ठीक है। मीटर क्या कह रहा है, मीटर क्या हुआ, मीटर आया कहाँ से, ठीक है। इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम। जब कोई, वो कह रहा है जब, ठीक है, टाइम इंटरवल ऑफ इतना इतना सेकेंड, वो कह रहा है कि जब कोई लाइट, लाइट की तो आपको पता है स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ m/s, ठीक है। तो कहता है कि लाइट क्या करती है कि जब ट्रेवल करती है किसी वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब जहाँ कोई एयर वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है, खाली एक एरिया होता है जहाँ कुछ नहीं होता, हवा भी नहीं होती, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हवा तो होती है कम से कम, मगर वैक्यूम वो एरिया होता है जहाँ हवा भी नहीं होती, एयर भी नहीं होती, ठीक है। तो कहता है कि जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है और उसका टाइम जो कहता है कि देखा जाता है कि इतने सेकेंड में, ठीक है, कितने सेकेंड में, 1/29972458, ठीक है। इतने सेकंड में वो कितना पाथ ट्रेवल कर रही है, वही 1 मीटर होगा। आए समझ में, मीटर क्या होता है, कहता है कि लाइट जब ट्रेवल करती है इतने सेकंड में, तो जितना पाथ वो इतने सेकंड में कवर कर रही है, कितना, 1/29972458, ये अप्रॉक्स होता है 3 × 10⁸ के ही, ठीक है। तो इतना पार, इतने सेकेंड में जो लाइट इतने सेकेंड में कितना पार ट्रेवल करेगी, तो वही क्या होता है, 1 मीटर। जैसे हमने कहा यहाँ से यहाँ तक इतना पाथ से ट्रेवल कर दिया भैया, जो लाइट है इतने सेकेंड में सिर्फ इतना इतना पाथ हमारा ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इतना पाथ ट्रेवल कर रही है। तो यही क्या हो गई हमारी, ये क्या हो गया, 1 मीटर के बराबर। आपने कहा 1 मीटर, यही क्या हो गया हमारा, 1 मीटर, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल 1 मीटर। अब आगे चलते हैं, 1 मीटर यहाँ से आया भाई। दूसरा आपके पास क्या है, किलोग्राम। अब क्या आपके पास किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम होता है यूनिट मास ऑफ, यूनिट मास होता है, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, डेफिनेशन तो समझ में नहीं आया मगर हम आपको समझाएंगे। देखो वो कहता है कि किलोग्राम कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक कोई मेटल लिया, ठीक है, जो किससे बना है, प्लेटिनियम। प्लेटिनियम तो आपको पता ही होगा, प्लेटिनियम का क्या होता है, प्लेटिनियम और इरिडियम से बना होता है, ठीक है। एक मेटल लिया, यूएस में अभी भी रखा गया है ये सारी यूनिट्स, ठीक है। तो इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जब आपको मौका मिले साइंस के एरिया, वहाँ एक एरिया है जहाँ साइंस के बारे में हर चीज़ रिलेटेड करती है, ठीक है, तो आपको अभी भी रखा गया है। तो कहता कि वही एक बार बनाया उन्होंने, ठीक है, कितने भी मास का, इसका मास फिक्स नहीं है, ठीक है, कितने भी मास उन्होंने किसका, जो किसका बना है, प्लेटिनियम और इरिडियम का बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक बार है जो प्लेटिनियम और इरिडियम का बना हुआ है, ठीक है, ये बार। अब ये बार का मास उन्होंने कहा कि भैया इसका मास जो है वो 1 kg है, कितना है, 1 kg। अब इसका मास कितना है, 1 kg, बोल दिया उन्होंने, क्या है इनका मास, इस जो प्लेटिनियम का जो मास है, इस जो ये बार है इसका मास 1 kg मान लिया, ठीक है। अब इसका मास 1 kg मान लिया, तो अब इस बार से जितना, जिसकी वैल्यू अब आपको इस बार का रेफरेंस लेके क्या करना है, दूसरे का क्या करना है, मीजर करना है वेट। तो हम कैसे करेंगे, देखो मैंने कहा कि कोई इंसान है या फिर कोई बड़ा सा बॉक्स, चलो इंसान को छोड़ो, हम कोई बड़ा सा बॉक्स लेते हैं इस टाइप से, ये देखो इतना बड़ा बॉक्स है, ठीक है, और आपने इसको क्या करा, बैलेंस मशीन में रख दिया आपने इसको,
ठीक है, वे करने के लिए रखा, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से आपने कोई चीज़ यहाँ रख दी, ठीक है, बैलेंस करने के लिए एक ट्रे है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एक ट्रे है इसमें, तो इसमें क्या है, आपने कहा कि जो ये 1 kg का बार था, है ना, प्लेटिनियम इरिडियम का, ठीक है, तो यहाँ पे तो एक बॉक्स है बड़ा सा, आपने करना है इसको वे कि ये कितने केजी का होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि 1 kg का है, तो इसको इसको बैलेंस करने के लिए अगर इसके कितने यूज़ हो रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, जब 4 बार आपने क्या रखे, 1 kg मतलब प्लेटिनियम इरिडियम का वही सेम मास जो हमने इसको 1 kg माना था, उसके जब हमने 4 बार रखे, ठीक है, और उसने इस तब उसने क्या किया, इस बॉक्स को बराबर कर दिया, तब ये क्या आ गया, बैलेंस में आ गया। जब ये दोनों बैलेंस में आ गए, तो इसका मतलब कितने बार यूज हुए हैं 1 kg के, 4, तो इसका मतलब इस जो बॉक्स था, ये जो बॉक्स था, इसका वेट कितना हो गया, 4 kg। आया समझ में? वैसे ही वो कह रहा है कि अगर 5 बार यूज हो रहे हैं वही 1 kg के, जिसको हमने 1 kg माना है, उसी के 5 बार यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब इस बॉक्स का वेट क्या हो जाएगा, 5 kg। वैसे 6, अगर 6 हो रहे हैं तो 6 kg। तो हमने एक रिफरेंस लिया है कि इसका वेट कितना है, 1 kg। अब इससे जिसका ज़्यादा वेट होगा, कितना ज़्यादा है 1 kg से, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 2 kg हो जाएगा, 3 ज़्यादा है तो हम बोलेंगे 3 kg हो जाएगा, है ना, 2 ज़्यादा है तो इस तरह से क्या होगा, रिफरेंस लेंगे, कम होगा तो हम क्या करेंगे, ग्राम में ले लेंगे। तो ये हमने सिंपल सा रिफरेंस लिया है कि एक को किसी भी सब्सटेंस को हमने एक एक बार लिया, एक मेटल का बार, प्लेटिनियम का बार लिया, बढ़िया सा बनाया एक, ठीक है, जैसे सोने के बिस्किट होते हैं ना, तो वैसे मूवीज में देखते हैं, तो वैसे ही एक ऐसा बार बना देते हैं जो किस जिसको हमने बोलते हैं कि भैया ये कितना है, 1 kg है बस। अब इस रेफरेंस से आप इस बार से आप वे करोगे अदर सब्सटेंस के मास को कि वो उसका कितना मास है, मतलब ये कितने बार 1 kg के यूज हो रहे हैं उस बैलेंस इस बॉक्स को मीजर करने के लिए। अगर 5 बार यूज हो रहे तो इसका वेट कितना जाएगा, 5 बार, ठीक है, इसका वेट कितना जाएगा, 5 बार। अगर ये 6 यूज हो रहे हैं, 10 हो रहे, तो इसका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रेफरेंस लिया था हमने, तो सिंपल हमारा 1 kg यहाँ से आया, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारा जो है हमारा सेकंड, ठीक है, ये भी हो गया। अब हमारा है सेकंड। सेकंड क्या होता है, अब सेकंड एक सेकंड क्या होता है, देखो सेकंड कैसे आया, आपने क्या, जब हम क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट इज द ड्यूरेशन ऑफ 9129631, ठीक है, ये एक ड्यूरेशन है जिसमें क्या है, 91, नहीं, पूरा है, ठीक है, इसको पूरा पढ़ो, देखो कितना है ये, 9129261770 पीरियड ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो अब रेडिएशन क्या हुआ, हमको पता है कि आपके पास, जब हम क्या पढ़ते हैं, के एल एम में पढ़ते हैं ना, तो के आपने पढ़ा KLMN, ठीक है, और ये सब क्या है, एनर्जी लेवल्स, मतलब हर ऑर्बिटल की क्या होती है, अलग बहुत सारी एनर्जी लेवल होती है, आपने कहा फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, ठीक है ना, इस तरह से सर्किल में होती है, आपने कहा एक ये हो गया लेवल, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, तो अगर इसको, इस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दोगे आप, तो ये एक्साइट होकर यहाँ जाएगा ऊपर एनर्जी लेवल में जाएगा। अब जब ये क्या करता है, अपनी जब एनर्जी लॉस करता है, तो फिर से क्या आता है, नीचे आ जाता है, ठीक, फिर से क्या आता है, नीचे आएगा। अब जब नीचे आएगा, मतलब इस तरह से इसको किस कैसे दिखाओगे आप, देखो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, हमने कहा कि आपके पास ये है 2 एनर्जी लेवल, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, और ये इसको आप एनर्जी दोगे, तो ये एक्साइट होके कहाँ जाएगा, इस ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है, ऊपर वाली जो अपर एनर्जी लेवल है उसमें जाएगा, ठीक है, ये यहाँ आ गया। मगर क्या हुआ, जब इसने दोबारा से क्या हुआ, ये एनर्जी जब लॉस करेगा, तो ये दोबारा से क्या आएगा, इस एनर्जी में फिर से अपनी वही स्टेट में आ जाएगा। अब जब वो दोबारा से अपनी स्टेट में आता है इस टाइम पे, तो वो एक एनर्जी लॉस करके ही आएगा, और वो एनर्जी जो लॉस होती है, ठीक है, वो किसके फॉर्म में होती है, रेडिएशन की फॉर्म में होती है, ठीक है, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होती है, रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है। अब वो रेडिएशन कौन से कलर का है, ठीक है, जिस कलर की रेडिएशन वो रिलीज कर रहा होगा, उस जिस वेवलेंथ की, वो कलर आपको दिखने वाला है ना। अगर वो रेड कलर के एनर्जी ले, एनर्जी जिसका वेवलेंथ क्या है, रेड कलर के बराबर है,
तो हम वो आपको रेड कलर का देगा। तो वैसे ही तो होता है, जैसे कोई लाइट आपको कैसे दिखती, कोई भी चीज़ आपको कैसे दिखती है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होता है और आपकी आंखों में आके दिखता है ना। तो सेम चीज़ यही होती है कि जिस कलर की रेडिएशन एनर्जी वो लॉस करेगा और वही वो के कलर आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो उसे उसने रेडिएशन बोला है, ठीक है। तो कहता है अब देखो, अब इसको आप समझ गए हो रेडिएशन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे, वो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 91926317707 पीरियड ऑफ रेडिएशन विच करस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम। वो कहता है कि जब आप यह करते हो, सीजियम का 133 एटम लेते हो, ठीक है। कैसे, देखो सीजियम, सीजियम एक मेटल होता है, इसी के होता है 133, मतलब इसका एटॉमिक मास आपने क्या किया, इसका एक एटम लिया। देखा गया कि सीजियम का जो एटॉमिक मास होता है, अब सीजियम क्यों लेगा, क्योंकि भैया उस समय सीजियम ही मिलता था, तो हमने सीजियम लिया। और सीजियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव, सीजियम तो मिलते तो बहुत सारे थे, मगर सीजियम क्या था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो खुद से एनर्जी लॉस करते हैं, मतलब खुद से रेडिएशन वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, उनका मास बहुत ज़्यादा हाई होता है और हर मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहता है, तो एनर्जी रिलीज करते हैं अपने आप ही। जिसके पास कम एनर्जी है, जिसका मास कम है, तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता, मगर जिसके पास ज़्यादा मास होता है, जैसे कोई भी मोटा आदमी है वो पतला होना चाहता है, तो उसे करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्यों, ताकि वो फिट रहे। तो सेम चीज़ यही होता है, अगर किसी सीजियम जैसे 133 मास, एटॉमिक मास कितना है, 133, तो इतना ज़्यादा एटॉमिक मास लेके क्या करता है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो एनर्जी लॉस करता है वो, किसकी फॉर्म में, रेडिएशन फॉर्म में, तो जिसकी वजह से उसका मास भी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इन्हें ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है। तो कहता है कि ऐसे एलिमेंट क्या करते हैं, उनके पास जो एनर्जी लेवल्स होती है, तो उनके एटम क्या करते हैं, दो मतलब इस तरह से ऑसिलेशन करते हैं, कभी ये ऊपर जाता है, फिर ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, एटम आता है नीचे, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, जैसे ऐसे ऊपर नीचे ये क्या करता रहता है, ठीक है। तो यही वो कह रहा है, यही वो पीरियड ऑफ रेडिएशन है, मतलब इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन, इतने पीरियड्स, इतने बार ऑसिलेशन, कितनी बार, 91129129263177 पीरियड ऑफ रेडिएशन, मतलब इतनी बार जब वो अप डाउन करेगा, कितने टाइम में करेगा, ठीक है, इतने पीरियड्स ऑफ, इतने उस ऑसिलेशन वो कितने टाइम में करेगा, और वो टाइम होता है सेकंड, ठीक है। इतने पीरियड्स ऑफ सीजियम का एटम, इतने बार ऑसिलेशन, जितने टाइम में करेगा उसे 1 सेकंड कहेंगे, ठीक है। सीजियम का एटम ऑसिलेशन, ये देखो ऑसिलेशन होता है, मतलब दो हाइपर फाइन लेवल्स, मतलब एनर्जी लेवल, हाइपर फाइन मतलब, हाइपर फाइन का मतलब क्या है यहाँ पे, एनर्जी लेवल से मतलब है कि क्या है, मतलब हाई, टू हाइपर फाइन लेवल मतलब दो एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये है, दो एनर्जी लेवल के बीच में जो ये क्या करता है, ऑसिलेशन करता है, कभी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये रेडिएशन भी रिलीज करेगा। तो इसका मतलब इतने ऑसिलेशन, इतना टाइम का ऑसिलेशन वो कितने टाइम में कर रहा है, वही क्या है हमारा, 1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है केल्विन। अब केल्विन क्या होता है, वो कहता है कि देखा गया कि जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट मतलब, वो कहता है कि ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट, देखा तीन पॉइंट, वाटर की तीन स्टेट होती हैं, आपने कहा सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, तीन स्टेट होती हैं। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है हर मैटर के बीच में, ठीक है, जैसे कि हमने वाटर ले लिया, ठीक है। तो कहता है कि हर मैटर के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसमें उसकी तीनों स्टेट क्या होती हैं, मिलती है, मतलब उस थोड़ा बहुत सॉलिड में भी होता है, थोड़ा गैस स्टेट में भी होता है, थोड़ा लिक्विड स्टेट में होता है। तो ऐसे टेम्परेचर को, ऐसे पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो वो ट्रिपल पॉइंट देखा गया, वाटर से लिया हमने, वाटर सब सब मिलता है अमाउंट में, ठीक है। तो कहता है कि वो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, वो होता है 1/273.16 केल्विन के बराबर, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1 केल्विन इसी के बराबर होता है, तो 1 केल्विन किसके बराबर होता है, इसलिए 1 केल्विन किसके बराबर हो गया, 273 के बराबर, 1.6 के बराबर, ठीक है। और जनरली हम राउंड ऑफ करते हैं तो 273 केल्विन ही हम लेते हैं, तो यही क्या है हमारा, 1 केल्विन, ठीक है। तो 1 केल्विन मतलब 273 केल्विन, तो आप बोलोगे ये तो 1 केल्विन किसके बराबर हो जाएगा, 1/273.16। तो वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना है, 273.716 केल्विन, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल केल्विन यहाँ से आया। दूसरा आगे चलते हैं, एम्पेयर क्या होता है, ठीक है। एम्पेयर, एम्पेयर किसकी यूनिट है हमारी,
करंट की यूनिट है। अब 1 एम्पेयर किसके बराबर होता है? वो कहता है इसको पढ़ो पहले, द एम्पेयर इज दैट कॉन्स्टेंट करेंट विच इफ मेंटेन इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस इन 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहाँ कोई एयर नहीं होती, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर, वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर अ फोर्स इक्वल टू 2×10⁻¹⁷ पर मीटर ऑफ लेंथ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझते हैं हम इससे? अब वो क्या कह जा रहा है कि 1 एम्पेयर आया कहाँ से? वो कहता है कि आपने दो पैरेलल लाइन ली, ये देखो दो पैरेलल कंडक्टर लिए या फिर वायर ले ली, वायर भी एक कंडक्टर ही है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो कहता है कि आपने दो पैरेलल लाइन्स ली, ये देखो एक ये हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, चलो इसको और अच्छे से बनाते हैं यहाँ पे से, ठीक है, आपने कहा एक ये है और एक कंडक्टर आपने ये लिया, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनको डिस्टेंस में हमने, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो है हमारी 1 मीटर, ठीक है, इसमें लिखा वही है, दोनों कंडक्टर के हैं पैरेलल हैं एक तो, ठीक है, ये देखो एक कंडक्टर है एक ये और दूसरा कंडक्टर ये, तो दोनों कंडक्टर के बीच जो डिस्टेंस हमने, दोनों कंडक्टर की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, ठीक है, कितनी है 1 मीटर। अब 1 मीटर है और आपने इससे क्या किया, करंट पास करना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने क्या किया इसमें करंट पास कराया, करंट किसकी वजह से आता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी आपने पास कराई। अब करंट पास होगा तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन जब करंट पास होगा इसमें से, ठीक है, ये है ये कंडक्टर, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, ठीक है, अब करंट पास होगा जब इनमें से, तो जब करंट पास होगा तो भैया यहाँ पे क्या होगा, जब आपको पता है जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो कुछ इस तरह से बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और सेम चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी इसमें जनरेट होगा। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो एक फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, ठीक है, फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स कितने न्यूटन मीटर का होता है, वो कहता है कि 2×10⁻¹ इतने न्यूटन पर मीटर का होता है, ठीक है, इतना फोर्स कितना 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर, ठीक है, इतना फोर्स जब कोई कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा, कब, जब हम उनको दो कंडक्टर को 1 मीटर की लेंथ में डिस्टेंस में रखेंगे और उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे, और उस टाइम पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो कुछ फोर्स क्या करेंगे, एग्जर्ट करेंगे, कुछ फोर्स क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, जो फोर्स किसके बराबर होगा 2×10⁻¹ के, ठीक है, ये फोर्स कितना, अब कितना करंट इस फोर्स को जनरेट करने के लिए लगा है, कितना 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर, इतना फोर्स जनरेट करने के लिए इस कंडक्टर में, इतना फोर्स जनरेट करने के लिए कितना करंट यूज हुआ है, दैट इज 1 एम्पेयर। आया समझ में, वो क्या है 1 एम्पेयर, ठीक है, हमने दो कंडक्टर पैरेलल में लिए, जिनको पैरेलल में लिए, जिनको हमने 1 मीटर की लेंथ में रखा, ठीक है, और इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जब करंट, तो फोर्स भी जनरेट होगा जब, अब वो फोर्स जनरेट मतलब इस करंट को इतना करंट देना है कि इतना न्यूटन पर मीटर का हमारा फोर्स जनरेट हो, और जितने जैसे ही 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर का फोर्स जनरेट हो जाएगा, हम बोलेंगे ये करंट कितने एम्पेयर के बराबर है, 1 एम्पेयर के बराबर, ठीक है, तो ये सिंपल है। आगे आगे पास कैंडेला, कैंडेला यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ल्यूमिनस मतलब लाइट, ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है लाइट, और इंटेंसिटी मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी, कितने वॉट की वो लाइट जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अब 1 कैंडेला कहाँ से आया, 1 कैंडेला उसने कहा क्या होता है देखो, ठीक है, अब आपको बताते हैं 1 कैंडेला क्या हो, इट इज डिवाइडेड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज गिवन डायरेक्शन फ्रॉम अ सोर्स विच एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक वो रेडिएशन होता है, वो लाइट होती है जो एक ही कलर की होती है, लाइट जैसे आप बोलते हो कि सनलाइट, सनलाइट को हम डिस्पर्स करते हैं, हम क्या डिस्पर्सन ऑफ लाइट, आपने सुना होगा कि जब हम क्या करते हैं लाइट पास कर, सनलाइट में जो हम किसको रखते हैं, किसी प्रिज्म को रखते हैं, तो वो डिस्पर्स कर देता है, उसकी जितनी लाइट, जितने कलर उसमें होते हैं, जितने लाइट कलर होते हैं उसमें, वो सब आपको दिख जाते हैं, है ना, विबग्योर जिसे आप कहते हो, तो वो क्या है, वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट वही होती है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का कलर हो, जैसे कि रेड हो या फिर ब्लू हो, ठीक है, येलो हो, एक ही कलर का होना चाहिए, दैट इज मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, और फ्रिक्वेंसी इतना, ठीक है, दैट हैज अ रेडिएशन इंटेंसिटी इन दैट ऑफ डायरेक्शन
इतना वॉट पर स्टेडियन। अब वो कह रहा है कि, वो कहता है कि आपने एक बल्ब लिया, ठीक है, जो कि क्या है, एक सोर्स है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, मतलब लाइट का सोर्स है, ठीक है। ये बल्ब आपने लिया, अब इस बल्ब, और ये बल्ब कौन सा है, मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक मतलब रेड हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, कोई भी कलर की ये लाइट क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। अब ये होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देखो ऐसे नहीं जैसे कोई हमारे घर में लाइट होती है, रूम में जो लाइट होती है वो चारों तरफ फैलती है, मगर इस लाइट को आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना है, भेजना है। देखो जैसे डोर के किसी होल से सनलाइट आती है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, तो वैसे ही इसको आपने जो मोनोक्रोमेट लाएगा एक डायरेक्शन में आपने इसको भेजना है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में जब आप इसको भेजोगे तो ये रेडिएशन कितनी फ्रिक्वेंसी की होगी, वो कह रहा है कि उसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए इतनी, कितनी, 540, 540 इंटू 10 12, मतलब 1012, ठीक है, हर्ट्ज की होनी चाहिए, इतनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। और उसके जो जो उसकी रेडिएंट की इंटेंसिटी होनी चाहिए, वो कितनी चाहिए, 1/683 वॉट पर स्टेडियन। स्टेडियन क्या होता है, स्टेडियन होता है ये एंगल, मतलब ये जो लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है एक एंगल बनाते हुए, ठीक है। और ये जो एरिया होता है इसके, इसे बोला जाता है स्टेडियन, ठीक है। तो इस स्टेडियम में, स्टेडियन में इतने वॉट की लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए, कितनी, 1/683, और उसे ही बोला जाएगा हर्ट्ज कितना होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 540 इंटू 1012 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये क्या है, वही हमारा वन कैंडेला हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल है। आगे पढ़ते हैं मोल। मोल क्या होता है, लास्ट मोल, मोल क्या है, व्हाट इज मोल, मोल क्या है, आपने बचपन नाइन्थ नाइन्थ में पढ़ा है या 10th में पढ़ा होगा कि मोल क्या होते हैं। मोल बताता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी सब्सटेंस में, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 डजन बनानाज आपने मार्केट से लिए, ठीक है, 1 दर्जन केले आपने मार्केट से लिए। अब एक केले में आपने सीधा बोल लिया कि एक केले में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ केले हैं, तो आपने कहा बनाना है, आपने कहा भैया एक एक दर्जन में होते हैं 12, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, ठीक है। अब 12 होते हैं तो इसका मतलब आप सीधे से 1 डजन बोल दोगे, 1 डजन बोल दोगे, ठीक है ना, 1 दर्जन बोल दोगे। मगर वैसे ही वो कहता है कि जैसे जैसे दर्जन बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ सब्सटेंस, कितने सब्सटेंस है 1 दर्जन में, मतलब 12 आइटम है आपके पास, केले कितने हैं 12 है, ठीक है। एग्ज आपने 1 दर्जन एग्ज लिए, तो वो कहता है कि कितने एग्ज आएंगे हमारे 1 दर्जन में, 12 आएंगे, ठीक है। तो वैसे ही कहता था कि 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल अगर आप बात करते हो 1 मोल की, तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो मोल किसकी यूनिट हो जाती है, हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल, कितना अमाउंट हम यूज कर रहे हैं किसी सब्सटेंस का, ठीक है। तो हमने कहा 1 मोल में होता है 6.022 × 10^23 एटम्स होते हैं, ठीक है। ये किसने बताया हमें, एवोगैड्रो ने बताया, तो ये एवोगैड्रो लॉ है, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। तो कहता है कि 1 मोल, 1 मोल इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ एटम्स, 6.022 × 10^23। और ये कहाँ से आया, ये देखा गया कार्बन 12 से, कार्बन 12 मतलब कार्बन के दो आइसोटोप, जनरली 3 आइसोटोप होते हैं जनरली, 12, 13, 14, ठीक है, और 14 और 12 से ज़्यादा मिलते हैं, 12 सबसे ज्यादा मिलता है उनमें से, तो कार्बन 12 इसे बोला जाता है। तो कार्बन 12 के अगर 12 ग्राम में उसने देखा कि 12, जब उसने कार्बन 12 का 12 ग्राम लिया, तो उन एवोगैड्रो को उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिले, तो उन्होंने कहा कि वही क्या हो गया, 1 मोल हो गया। कि अब किसी का भी, अब O2 ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, कोई भी एलिमेंट है या कोई सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, अगर उसके 1 मोल की बात करेंगे तो हम उसमें बोलेंगे उस सब्सटेंस, उस एलिमेंट, उस कंपाउंड के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसमें, 6.022 × 10^23, ठीक है। तो ये हो गया 1 मोल, ठीक है, इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये है आपका सारी बेसिक यूनिट 7, तो अब इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कल मास एंड वेट, कि मास और वेट क्या होता है, ठीक है। मास और वेट सिंपल आपको पता है, मास वो होता है जो एक्यूपाई करता है सम स्पेस, ठीक है, और वेट भी उसका कुछ ना कुछ होता है, मगर वेट जो होता है, वेट को, वेट सिर्फ वेट होता है कि आप इसको आप मीजर करते हो, है ना। जैसे कि आप बोलोगे मास सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, है ना, मास मतलब किसी मैटर में कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है और वेट कितना उसका वेट है,
कितना भार है भैया उसका, सिंपल है ना। मास सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली लेबोरेटरी बाई यूजिंग एनालिटिकल। तो कहता है कि मास क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, वेट जिसे आप बोलते हो किलोग्राम, है ना। तो क्या जैसे आप अब मास और वेट में आप बोल सकते हो कि मास चेंज नहीं हो सकता मगर वेट चेंज होता है। कैसे, जो वेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ना। जबकि मास होता है, मास हमारा ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। मास तो वो है कि कितना स्पेस आप एक्यूपाई कर रहे हो कोई भी मैटर। जैसे कि हमने कहा कि ये है एक फ्लास्क, ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसका वेट कम ज़्यादा हो सकता है ग्रेविटी पे, ठीक, ग्रेविटी के बेस पे। कहीं ग्रेविटी अगर ज़्यादा होगी तो इसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ग्रेविटी कम है तो इसका मास, वो जो उसका वेट होगा वो कम हो जाएगा। जब हम बोलते हैं ना, एक क्वेश्चन आता है कि कोई सब्सटेंस है तो उसका मास 10 kg है, 50 kg है, कि हाँ अर्थ में, मून में उसका मास चेंज होगा कि नहीं होगा। हम बोलेंगे मास चेंज नहीं होगा मगर उसका वेट जरूर चेंज होने वाला है, क्योंकि शेप जो उसका है वो तो चेंज नहीं होगा, है ना। क्योंकि मास होता था कि कितना स्पेस उसने लिया है, स्पेस तो वो उतना ही लेगा जितना उसने लेना है। जैसे कि आपने बोला कि ये फ्लास्क है तो इतना ही स्पेस लेगा जितना उसका शेप है। जैसे उसका शेप है तो वो क्या हो गया मास, मगर वेट क्या है, वेट इसका कितना वेट है इसका, है ना, कितना वेट मतलब ग्रेविटी कितनी इस पे लग रही है, तो वही क्या हमारा वेट, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो वेट चेंज हो सकता है ग्रेविटी के बेस पे मगर मास हमारा चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये हम बाकी मास वॉल्यूम ये सब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।